देश भर में इस कोरोना संक्रमण के काल में 24 घंटे अपनी जान को जोखिम में डालकर देश के पत्रकार आप तक लगातार खबरें पहुंचा रहे हैं। उसी तरह अपने वरिष्ठों से प्रेरणा लेकर रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग के छात्र भी लगातार गूगल मीट के माध्यम से सुचारू रूप से अपने अध्यापकों से पत्रकारिता के गुर सीख रहे हैं। मंगलवार को जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के संचार अध्ययन एवं शोध विभाग पत्रकारिता विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तकनीकी एवं टर्मिनोलॉजी विषय पर आयोजित ई व्याख्यान में भोपाल से वरिष्ठ मीडिया पर्सन पंकज द्विवेदी और मुंबई से राजेंद्र नागले एवं अभिषेक सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि कई तरह की घटनाओं के कवरेज ने देश में टेलीविज़न न्यूज़ को एक व्यापक पहचान भी दी और विश्वसनीयता भी। घटनास्थल को सीधे टीवी स्क्रीन तक पहुंचा पाने की इसी ताकत में टेलीविज़न की लोकप्रियता का राज छिपा हुआ है। ई व्याख्यान में पत्रकारिता के विद्यार्थियों द्वारा प्रश्नों के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं के हल प्राप्त किए गए। रोचकता भरे इस संवाद कार्यक्रम में मुख्य वक्ता द्वारा प्रश्नों के उत्तर सटीकता से दिए गए। स्वागत एवं अतिथि परिचय पत्रकारिता विभाग अतिथि विद्वान डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव ने दिया। संचालन एवं आभार प्रदर्शन पत्रकारिता विभाग अतिथि विद्वान डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने किया। इस दौरान ई व्याख्यान के आयोजन में अतिथि विद्वान डॉक्टर शैलेश प्रसाद, डॉक्टर प्रमोद पांडे, डॉक्टर मोहनिका गजबिये का सक्रिय योगदान रहा। इस दौरान BAMC, BJC, MAMC, MJC के छात्र छात्राएं एवं अन्य प्रतिभागी उपस्थित रहे। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NVTV।